के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं शिल्पी सेन। आइए डालते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की इस ताजातरीन खबर पर एक नजर। रविवार की देर शाम जनपद झांसी के समथर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लावन में धारदार हथियार से वार कर एक युवक की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद युवक के शव को झाड़ियों में फेंक दिया। जब युवक का शव मिला तो परिजनों और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौट पुलिस क्षेत्राधिकारी समेत तमाम सर्किल के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुट गए। दरअसल मामला समथर थाना क्षेत्र के ग्राम लावन का है, जहां एक युवक की हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंक दिया। मौट पुलिस क्षेत्राधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार के मुताबिक ग्राम लावन में एक शव बरामद हुआ है, जिसकी सूचना मिलते ही सर्किल की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर शनाख्त कराई। शनाख्त में मृतक का शव निखिल तिवारी का पाया गया। मृतक के शरीर पर कई स्थानों पर चोटों के भी निशान पाए गए हैं। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई थी और मौके का निरीक्षण किया जा रहा था। जल्द ही इसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोषियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर निकाल दी गई हैं। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार के साथ नीरज प्रजापति की रिपोर्ट। डेड बॉडी मिली है, क्या पूरा मामला है, किस गांव का है? देखिए, थाना समथर के लावण गांव में एक मृत शरीर प्राप्त हुआ है, जिसकी सूचना प्राप्त हुई। तत्काल थाना पुलिस और आसपास के दो थानों की पुलिस भी आई है। यहां पर निखिल तिवारी सन ऑफ वीरेंद्र तिवारी, इनका डेड बॉडी प्राप्त हुआ है। चोटों के भी निशान प्रतीत हो रहे हैं। अभी तत्काल इसको फॉरेंसिक टीम की मदद से जांच की जा रही है, निरीक्षण घटनास्थल वगैरह करके और शरीर प्राप्त करके बहुत ही जल्दी इसमें दोषियों को दंडित किए जाने के लिए कार्रवाई की जाएगी और FIR पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। किस हथियार से हत्या हुआ? अभी ये पोस्टमार्टम के बाद ही कह पाना संभव हो पाएगा। तत्काल ही इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाना आवश्यक है। अभी इसको पोस्टमार्टम करा के और दोषियों के लिए टीम निकाल दी गई है। बहुत जल्दी ही इसमें गिरफ्तारी करके कार्रवाई की जाएगी। बुंदेलखंड और देश प्रदेश की ताजातरीन खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नवोदय प्लस टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए।